हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है 1600 मीटर में स्टैमिना कैसे बढ़ाए। अगर आप रेगुलर हो या तो बिगिनर हो दोस्तों, जब आप ग्राउंड पर आ जाते हो तो राउंड के एक चक्कर लगाते हो, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया, तब आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, आप में स्टैमिना बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, स्टैमिना ना होने का रीज़न क्या है और स्टैमिना बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम देखेंगे। क्या रीज़न हो सकता है, जब आप पहला राउंड लगाते हो, दूसरा राउंड लगाते हो और जब तीसरा चौथा राउंड लगाते हो तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, आप पैर भी उठा नहीं पाते। दोस्तों इसका रीज़न भी देखेंगे और स्टैमिना बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न है, जब आप ग्राउंड पर आ जाते हो दोस्तों, आप ग्राउंड पर आ जाने के बाद रनिंग स्टार्ट करते हो, मतलब आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, कुछ वार्म एक्सरसाइज नहीं करते। जब आपके दोस्तों बॉडी सोई हुई होती है, मतलब जब आपकी बॉडी टाइट होती है, उसको खुली करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले वार्म एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे से बॉडी खुलनी चाहिए। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो तो रनिंग से पहले आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, क्योंकि अगर आपने पहले दिन अच्छे से वर्कआउट किया होगा तो आपकी बॉडी दोस्तों 100% टाइट होगी। उसको रिलैक्स करने के लिए, नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी करने के लिए आपको पहले वार्म एक्सरसाइज करना चाहिए। और वार्म एक्सरसाइज कैसे करना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। फिर दूसरा रीज़न है, आप हर रोज़ रनिंग करते हो, कुछ वर्कआउट चेंज नहीं करते, रोज़ रनिंग करते हो, उसके वजह से आपके लेग में कहीं भी इंजरी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों, जब आप ग्राउंड पर आ जाते हो या तो आपने अभी भी रनिंग की शुरुआत कर रही है दोस्तों, आप डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट करते हो और वो भी स्पीड से रनिंग लगाते हो, इसके वजह से भी दोस्तों आपका स्टैमिना तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपकी बॉडी ज़्यादा थक जाएगी। इसलिए जब आप ग्राउंड की शुरुआत करते हो, जब आप ग्राउंड स्टार्ट करते हो दोस्तों, आपको धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना चाहिए और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट चेंज करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में 2 या 3 वीक तक इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो किस तरह से प्रैक्टिस करना है, कैसे वर्कआउट करना है, इसको हम आगे देखेंगे। दोस्तों स्टैमिना बढ़ाने के लिए मैं आपको ऐसे 2 या 3 वर्कआउट बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हो या तो रेगुलर हो, आपको हफ्ते में आपको 2 या 3 वीक तक आपको इस वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप और इस वर्कआउट से आपका दोस्तों स्पीड तो बढ़ेगा, उसके साथ रनिंग का टाइमिंग भी कम हो सकता है। और दोस्तों स्टार्टिंग अगर आप करते हो 1600 मीटर की तैयारी करते हो तो आपको धीरे धीरे से करनी चाहिए। अब अगर आप जब ग्राउंड पर आते हो डायरेक्ट रनिंग चालू करते हो तो सबसे बड़ी गलती, तो किस तरह से वर्कआउट करना है चलो देखते हैं। सबसे पहला वर्कआउट दोस्तों, आपको वीक में 2 बार स्लो जॉगिंग करना है। अगर हमें स्टैमिना बढ़ाना है तो हमें स्पीड से रनिंग बिल्कुल नहीं करना, आपको बिल्कुल स्लो जॉगिंग करना है, और वो भी आपको 40 से लेकर 50 मिनट तक स्लो जॉगिंग करना है। अगर आपकी बॉडी थकती है तो आप जॉगिंग करने के बाद थोड़ी चल सकते हैं, चलने के बाद फिर आपको जॉगिंग करना है। इस तरह से आपको 40 से लेकर 50 मिनट तक स्लो जॉगिंग करना है और इसे आपको वीक में 2 बार करना है, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। फिर दूसरा वर्कआउट, अगर आपने दोस्तों ग्राउंड स्टार्ट किया है या तो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और अगर आप रेगुलर हो दोस्तों, आपको स्टैमिना के साथ आपको दोस्तों स्ट्रेंथ भी बढ़ानी चाहिए, उसके साथ स्पीड और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और दोस्तों इसके वजह से आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा। इसलिए हमें ABC एक्सरसाइज करना है, इसके वजह से भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका स्टैमिना बढ़ेगा। आपको 25 या 30 मीटर में ABC एक्सरसाइज करना है, वीक में आपको 2 बार इस वर्कआउट को भी जरूर करें। स्टैमिना बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको और एक वर्कआउट करना है, वो है स्लो फास्ट। आपको स्लो फास्ट करना है, स्लो फास्ट करने से आपका दोस्तों स्टैमिना ज़रूर बढ़ेगा और उसके साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इसलिए आपको दोस्तों 2 या 3 वीक तक इस तरह से आपको वर्कआउट करना है, इसके वजह से आपका स्टैमिना बहुत बढ़ेगा और आपकी बॉडी कभी नहीं थकेगी। और 100 मीटर स्लो फास्ट करना है आपको, 100 मीटर करो में आप यहाँ पर या तो स्ट्रेट में आप रनिंग फास्ट कर सकते हो और उसके बाद 100 मीटर स्लो रनिंग कर सकते हैं। ऐसे आपको 15 या 20 मिनट करना है, इस तरह से आपको वर्कआउट करना है और स्लो फास्ट आपको 15 मिनट करना है और इसके वजह से आपका स्टैमिना बढ़ेगा। तो इस सभी वर्कआउट को दोस्तों आप अच्छे से करना, आपका स्टैमिना ज़रूर बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा
और इसकी वजह से आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाएगा।